दोस्तों, हमारा देश भारत बड़ी तेजी से दुनिया की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनता जा रहा है और इसे आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में कई शहरों की अहम भूमिका है। जब देश में सबसे अमीर शहरों की बात आती है तो बड़े शहरों का नाम सबसे आगे आता है। किसी भी शहर की अमीरी और गरीबी का पता उसकी GDP से मापा जाता है, जिससे ये मालूम पड़ जाता है कि वह शहर आर्थिक तौर पर कितना मजबूत है। इन बड़े शहरों में पर्यटन, रोजगार और व्यवसाय के अच्छे अवसर मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे अमीर शहर बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप 10 अमीर शहरों की। नंबर 1, मुंबई। मुंबई ना केवल भारत की फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल है, बल्कि दुनिया के टॉप 10 फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक है। मुंबई शहर दुनिया भर में फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मुंबई दूसरे शहरों से हर मामले में बहुत आगे है। इस शहर में देश के सबसे अमीर लोग रहते हैं। मुंबई में 40,000 करोड़पति और 78 अरबपति रहते हैं। मुंबई की GDP करीबन $310 बिलियन है। नंबर 2, दिल्ली। दिल्ली भारत की नेशनल कैपिटल है। देश की राजधानी होने के नाते यहाँ बड़ी संख्या में सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। सर्विस सेक्टर का दिल्ली की GDP में सबसे ज़्यादा 80% योगदान है। रियल एस्टेट, टेली कम्युनिकेशन, होटल और मीडिया कुछ ऐसे उद्योग क्षेत्र हैं जो इस शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। करीबन $300 बिलियन के GDP के साथ दिल्ली देश का दूसरा सबसे अमीर शहर है। नंबर 3, कोलकाता। सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता ब्रिटिश साम्राज्य के समय भारत की राजधानी थी, लेकिन 1911 में कोलकाता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। अब कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। कोलकाता $150 बिलियन की GDP के साथ देश का तीसरा सबसे अमीर शहर है। कुछ ग्लोबल कंपनियों के हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित हैं। इनमें ITC लिमिटेड, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक भी शामिल हैं। नंबर 4, बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को भारत की IT कैपिटल और सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में सबसे ज़्यादा IT इंडस्ट्रीज हैं। बेंगलोर के करीबन 35% लोग इसी सेक्टर में काम करते हैं। बेंगलोर की GDP इस समय लगभग $110 बिलियन है। नंबर 5, चेन्नई। दक्षिण भारत का चेन्नई शहर भारत के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में नंबर 5 पर है। चेन्नई की GDP $86 बिलियन है। चेन्नई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, जिसकी वजह से इस शहर को भारत का डेट्रॉयट भी कहते हैं। इनके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर भी चेन्नई की इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करते हैं। नंबर 6, हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। इस शहर को मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद की GDP करीबन $74 बिलियन है। बेंगलोर की ही तरह अब हैदराबाद भी IT फील्ड में तेजी से ग्रोथ कर रहा है। नंबर 7, पुणे। पुणे मुंबई के बाद महाराष्ट्र राज्य का दूसरा बड़ा शहर है। यह शहर ऑटोमोबाइल और IT इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। पुणे को भारत का एजुकेशन हब भी कहते हैं। $69 बिलियन की GDP के साथ पुणे भारत का 7वां सबसे अमीर शहर है। नंबर 8, अहमदाबाद। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक है। अहमदाबाद शहर की GDP $68 बिलियन है। अहमदाबाद कॉटन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसकी वजह से इस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। नंबर 9, सूरत। गुजरात का एक और शहर सूरत भारत के अमीर शहरों में से एक है। यह शहर कॉटन इंडस्ट्री के साथ साथ डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए फेमस है। दुनिया के करीब 80% डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग का काम सूरत में ही होता है। शहर की GDP इस समय करीबन $57 बिलियन है। नंबर 10, विशाखापट्टनम। भारत के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में विशाखापट्टनम 10वें नंबर पर है। शहर की GDP करीबन $44 बिलियन है। विशाखापट्टनम में देश का सबसे पुराना शिपयार्ड और सबसे बड़ा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश के शहर में गेल, बाइजग स्टील और हिंदुस्तान स्टील हैं। तो दोस्तों, ये हैं भारत के 10 सबसे अमीर शहर। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।